गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन चैप्टर से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे जो है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें ताकि डिफरेंट जो वीडियो है बहुत ही सिंपल वे में आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। इसमें है क्या, सबसे फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन जो है वो कितने टाइप का होता है, तो वेरिएशन का जो टाइप होता है वो टू टाइप होता है। एक है फर्स्ट डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इनडायरेक्ट, या आप किसी किसी जगह इसको इन्वर्स वेरिएशन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये वेरिएशन होता क्या है, तो इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर सच डैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी रिजल्ट इन ए करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेकेंड क्वांटिटी, देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। मतलब जैसे अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। तो इस दोनों का जो आपस में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली होगा। जैसे अगर आप ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, अगर एक बुक का कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, ठीक है, तो टू बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये 10 रुपीज़। तो इधर जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ रहा है कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और अगर हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल ये ले ले से 10 रुपीज़ में जो है, ठीक है, वो आपको मिलेगा 2 बुक, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए से 5 रुपीज़ में तो आप क्या कहोगे, 1। तो ये डिक्रीज हुआ, तो ये भी डिक्रीज हुआ कि नहीं। मतलब ये दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को बताता है, जब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लीजिए, एक स्पीड से अगर हम चलते हैं तो जैसे जैसे जो है जो टाइम चेंज होता जाएगा डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी। अगर दो क्वांटिटी है तो इसके लिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर इक्वल में चेंज करने के लिए तो इक्वल में चेंज करने के लिए ए इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट टर्म लेते हैं जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू के बी। इस तरह से हमको इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको इस डायरेक्ट को जो है इक्वल के फॉर्म में चेंज करना होता है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन में है क्या, से अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ़ टू क्वान्टिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर सच डैट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी रिजल्टिंग इन ए करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन डिक्रीज और इंक्रीज इन द सेकेंड क्वांटिटी, देन द टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी इन्वर्सली विथ ईच अदर। जैसे एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ ये डिक्रीज हुआ, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं उसमें जो है इन्वर्स वेरिएशन का यूज किया जाता है। जैसे अगर 5 मैन, मान लो 5 मैन मिलकर किसी भी काम को अगर ये 2 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपसे इसी जगह ये पूछा जाए से अगर नंबर ऑफ मैन अगर हम कर देते हैं 1, तो ये कितने दिन में करेगा, 10 डेज में। तो यहाँ पर जैसे 5 था तो 2, और जब ही ये नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हुआ तो ये डेज इंक्रीज हो गया कि नहीं। तो फर्स्ट क्वांटिटी अगर
डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंड इंक्रीज होगा, और फर्स्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड डिक्रीज होगा, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसका जो साइन होता है क्या होता है, ऐसे आप लिख सकते हो, अगर जैसे ए और बी दो है तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बी, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनाना है तो ए इक्वल टू के इंटू वन बाई बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू के बाई बी। अब इस दोनों से रिलेटेड जो है, इस दोनों को जब हम एक साथ ज्वाइंट करके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, से या तो दोनों जो हो, दो क्वांटिटी जब डायरेक्ट होगा तब उस दोनों को हम ज्वाइंट करके किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक डायरेक्ट हो एक इन्वर्स हो तब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, और दोनों इन्वर्स हो तो उसको कैसे लिखेंगे, ये डिफरेंट टाइप से जो है क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे व्हेन ए चेंज इन क्वांटिटी डिपेंड ऑन द चेंज इन द टू और मोर क्वांटिटी इट इज सेड टू बी वेरी जॉइंटली विथ दोज क्वांटिटी। एज फॉर एग्जांपल व्हेन ए क्वांटिटी ए वेरी डायरेक्टली विथ बी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट एंड वेरी डायरेक्टली एज सी व्हेन बी इज कॉन्स्टेंट, तो ए वेरी डायरेक्टली एट द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, ठीक है, जहाँ पे सी कांस्टेंट है तो हमको तो यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में दिखाना है नहीं। फिर दूसरा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सी वेयर बी इज कांस्टेंट, तो बी इज कांस्टेंट के रूप में हम ये लिख देंगे जब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। अब इस दोनों को ज्वाइंट के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ज्वाइंट वेरिएशन टू बी एंड सी, माने बी इंटू सी। अब इसको जो है, अगर हमको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है तो ए इक्वल टू के बी सी, हम इस तरह से लिख कर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। से दो अगर डायरेक्ट वेरिएशन को एक साथ लिखने पे रिजल्ट क्या आता है, ये हमको इससे जानकारी हुआ। अब दूसरा क्या है, दूसरा है क्या, व्हेन ए क्वांटिटी ए वेरी डायरेक्टली एज बी, मान लो ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एंड वेरी इन्वर्सली, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, सी के। हमको कांस्टेंट वाले को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता तब हम उसको एज ए कांस्टेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों का जो कंबाइन वेरिएशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेरिएशन बी बाई सी, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करने के लिए निकालेंगे तो ए इक्वल टू के बी बाई सी। ओके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बहुत सारे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अब एक है, एक डिफरेंट है, जैसे व्हेन ए क्वांटिटी ए वेरी इन्वर्सली एज बी, मान लो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, तो सी इज कॉन्स्टेंट हम लिख दिए, एंड ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू सी एंड बी इज कॉन्स्टेंट, तो इस दोनों का कंबाइन जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेरिएशन वन बाई बी सी, ठीक है। और इसको जब, या तो इसको हम कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ए इक्वल टू के इंटू वन बाई बी सी, इस तरह से हम लोगों ने जो है वेरिएशंस से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, जिससे कि हमारा ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर
फिर भी आपको इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इसको और सिंपल वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। ओके, थैंक यू।